बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो 9 मई के हवाले से जो आजकल की डिस्कशन हो रही है, तो मैं ये हल्फन कह रहा हूँ कि जब भी मेरी इमरान खान से मीटिंग हुई या हमारी ग्रुप्स में मीटिंग हुई, कभी भी उन्होंने किसी किस्म की, किसी इदारे के खिलाफ या किसी किस्म की कोई तशद्दुद की उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने सारी उम्र रूल ऑफ लॉ की और पुरअमन रहने की हमें तबलीग की और हमें कहा कि जितना आप पुरअमन रहेंगे, जितना आप पीसफुल रहेंगे, उतने ज्यादा लोग आपके साथ मिलेंगे, उनके ज्यादा लोग आपको ज्वाइन करेंगे और आपके साथ निकलेंगे। हमारे जलसों में, जुलूसों में आप देख लें, नौजवान, ख्वातीन, बच्चे, बुजुर्ग, तो हमारी तो जरूरत है और हम वह पुरअमन रहने की। और हम पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, तो हमारा स्ट्रगल ही पॉलिटिकल है और पुरअमन है। पुरअमन पाकिस्तान ही तरक्की याफ्ता पाकिस्तान हो सकता है। जहां तक 9 मई की बात है, 9 मई एक ऐसा वाकया है जिसको सबने कंडेम किया, खान साहब से लेके हम सब ने, सब पूरी पूरी कौम ने कंडेम किया। उस पर एक ओपन जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। उस पर जो भी, जिसने भी किया है, ख्वाह हमारे लोग हैं पार्टी के या बाहर के लोग हैं, जो भी हैं, जब इंक्वायरी होगी, सामने आएगी, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। उसको हम सब ये डिमांड करते हैं। और पुरअमन रहना, उन्होंने हमें तबलीग की और पुरअमन हमारा स्ट्रगल भी है और ये रहता रहेगा इंशाल्लाह। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।